ये रिकॉर्ड रहा है कि पति ने आज तक जितने भी केस जीते हैं इन दो सबूतों के माध्यम से जीते हैं। अगर पति के पास में दो सबूत रहे हैं तो पति के पक्ष में वो केस है जो आसानी से आ गया है। और यहाँ पे आगे अगर आपके पास में भी ये दो सबूत है तो आप भी उस केस को आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ पे कोई भी केस क्यों ना हो, चाहे पत्नी ने आपके ऊपर करवाया हो या फिर आपने पत्नी के ऊपर किया हो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अटकुट जितेंद्र। आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि अगर पति के पास में दो सबूत रहे हैं और यहाँ पे पत्नी ने अगर पति के ऊपर केस किए हैं या फिर पति ने पत्नी के ऊपर केस किए हैं तो इन दो सबूतों के माध्यम से ही पति ने केस को जीते हैं। और आगे भी अगर आपके पास में सबूत है तो बिल्कुल आप उस केस को आसानी से जीत सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सबूत है, फर्स्टली तो ये सबूत पति के पास में होना चाहिए कि अगर पत्नी पति के जो माता पिता है, बहन भाई है, उनके साथ में अगर बुरी तरह से अभद्र व्यवहार कर रही है, उनको खाना पीना अगर नहीं दे रही है, वो सारे लोग हैं जो अगर आपके ऊपर डिपेंड है, पत्नी के ऊपर डिपेंड है, पर पत्नी अगर उनके साथ में गलत व्यवहार कर रही है, उनको खाना पीना नहीं दे रही है, फिर गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, यहाँ पे बुरी तरह से उनके साथ में प्रताड़ना कर रही है, और इन सभी के सबूत अगर पति के पास में है तो बिल्कुल इस सबूत के माध्यम से पति उस केस को आसानी से अपनी साइड में कर सकता है। विशेष तौर पे अगर पति के जो माता पिता है उनके साथ में अगर पत्नी गलत करती है, और ये अगर इम्पोर्टेंट सबूत पति के पास में है, गलत में देखो यहाँ पे यातनाएं देना, प्रताड़ित करना, खाना नहीं देना, मार पिटाई करना, ये सब आता है। तो ऐसे सबूत है पति के पास में तो यहाँ पे श्योरली पति की जीत है जो उस केस के अंदर आसानी से हो सकती है और हुई भी है, ये रिकॉर्ड बताता है। तो ये पहला सबूत तो ये आता है। दूसरा सबूत इसके अंदर ये आता है, दूसरा एविडेंस ये आता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, यानी कि पत्नी किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर है, और इन सभी के सबूत अगर पति के पास में है तो उन केसों को पति है जो आसानी से अपनी साइड के अंदर कर सकते हैं। चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, चाहे पत्नी कोई केस करे या फिर पति कोई केस करे, उसके अंदर अगर पति ये एडल्ट्री का सबूत लगा देता है, एविडेंस लगा देता है, तो बड़ी आसानी से केस है जो पति की साइड में झुक जाएगा। पति है जो उस केस के अंदर आसानी से जीत को हासिल कर सकता है। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किया, और शेयर भी करें जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।